हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ चैनल आयुर्वेद द बेस ऑफ लाइफ। खाने के तेलों में कौन सा तेल यूज़ करें? आज के समय में बाजार में ढेरों तेल उपलब्ध हैं, लेकिन इस बात से हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा तेल का इस्तेमाल ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, किस तेल से स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य भी मिलेगा। इसे जानने के लिए हम कुछ पॉइंट्स पर ध्यान दे करके आज समझ सकते हैं कि कौन सा तेल सेहतमंद रहेगा। लेकिन उसके पहले, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ऐसे हेल्थी टिप्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। हमारे लिए कौन सा तेल ज़्यादा फायदेमंद है, इसके लिए हम कुछ चीज़ों को जरूर ध्यान दे सकते हैं। पहला कि सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, यानी कि वो किस चीज़ से हमें मिल रहा है। तेल हमें तीन तरह से मिलता है, जैसे कि बीजों से, जैसे सेसमी यानी तिल का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल और सूरजमुखी का। ये चारों हमें बीजों से मिलते हैं। अलसी का तेल, ये भी बीज से मिलता है। कुछ तेल हमें फलों से मिलते हैं, जैसे कि नारियल का तेल या जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। कुछ अदर सोर्सेज हैं, जैसे राइस ब्रैन ऑयल, जो हमें चावल की भूसी से मिलता है। लेकिन हमें किस चीज से आसानी से तेल मिलेगा? बीजों में नेचुरली तेल ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए उससे आसानी से हमें मिलेगा। फ्रूट्स में पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, इसलिए उससे तेल पाने के लिए हमें ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा। और भूसी तो ड्राई फॉर्म में होती है, तो उससे तेल निकालना मुश्किल ही होता है। इसलिए जिन चीज़ों से हमें आसानी से बिना प्रोसेस किए तेल मिल सकता है, वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होंगे। जितनी कम प्रोसेसिंग होगी, उतनी ही अच्छी क्वालिटी मिलेगी और साथ ही वो हमें सस्ता भी मिलेगा। इसलिए बीजों से मिलने वाला तेल ही सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। दूसरा, हम जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ जो चीज़ आसानी से नेचर में उपलब्ध है, वहाँ के एटमोसफियर के हिसाब से वो हमारे लिए फायदेमंद भी होती है। उत्तर प्रदेश और इस तरफ के एरिया में सरसों ज़्यादा होती है, तो सरसों का तेल हमारे लिए आसानी से उपलब्ध होगा और आसानी से पचने में भी मददगार होगा। तीसरा होता है तेल का स्वाद और महक हमें कैसा लग रहा है। अगर हम जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ जो चीज़ हम बचपन से खा रहे हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा यूज्ड टू होती है। लेकिन कोई नई चीज़ हम लेते हैं तो कई बार वो हमें पसंद नहीं भी आ सकती है। जैसे कि अगर हम सरसों का तेल हमेशा से इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर हम नारियल तेल में बनी हुई चीज़ें खाएंगे, तो उसका स्वाद और महक हमें उतना अच्छा शायद ना लगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है तेलों का स्मोक पॉइंट जानना। किसी भी ऑयल को यूज़ करना है तो उसका स्मोक पॉइंट जानना जरूरी है, वह पॉइंट जिस पर तेल जलने लगता है, क्योंकि वो इस पॉइंट पर तेल जलने के बाद ख़राब हो जाता है और उसके न्यूट्रिशंस कम हो जाते हैं। खासकर इंडियन कुकिंग में ऑयल को अधिकतर पका कर के मसालों को डालकर उसमें पकाया जाता है, इसलिए ही ऐसे तेल का यूज़ करना ज़रूरी है जिसका स्मोक पॉइंट ज़्यादा हो। जैसे मूंगफली का तेल, तिल का तेल, इनका स्मोक पॉइंट ज़्यादा होता है। सरसों का तेल, इसका भी स्मोक पॉइंट ज़्यादा होता है, जबकि ऑलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट कम होता है, इसलिए ऑलिव ऑयल जल्दी जलने लगता है। किस फॉर्म में यूज़ करना है तेल, उसको भी देखना ज़रूरी है। अगर हम सैलड में यूज़ कर रहे हैं तो ऑलिव ऑयल ठीक है, लेकिन अगर हमें चीज़ें फ्राई करनी है तो उसके लिए ऑलिव ऑयल उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। ऑयल जलने पर उसमें उपस्थित न्यूट्रिशंस कम होने लगते हैं और उसमें उपस्थित फैटी एसिड जो है उसका वो ख़राब होने लगता है। चौथी चीज़ है फैटी एसिड की मात्रा उसमें कितनी है, वो देखना भी ज़रूरी है। इस रेशियो के हिसाब से भी तिल का तेल, मूँगफली का तेल, सरसों का तेल और नारियल तेल, ये ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। ऑलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट कम होता है, लेकिन हमारे इंडियन कुकिंग में मसालों के साथ पकाने के लिए उतना परफेक्ट नहीं होगा। सनफ्लावर ऑयल पित्त को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए लगातार इसका इस्तेमाल नुकसानदेह होता है। इसके अलावा रिफाइंड ऑयल और अनरिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल में प्रोसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, केमिकल बहुत यूज़ होते हैं, इसलिए वो हमारी सेहत के लिए लॉन्ग टर्म यूज़ करना हानिकारक हो सकता है। जिन तेलों में जितनी कम रिफाइनिंग होती है, जितनी आसानी से वो निकल आते हैं, वो उतने ही फायदेमंद होते हैं। इस लिहाज से भी कच्ची घानी का तेल या तिल का तेल हमारे लिए बेस्ट माना जाएगा। आयुर्वेद में तिल
का तेल लगाने के लिए या खाने के लिए सबसे अच्छा माना गया है। आजकल बहुत से लोग अलग अलग तेलों को मिक्स करके यूज करते हैं, लेकिन ये भी सही नहीं होगा क्योंकि अलग अलग तेलों का स्मोक पॉइंट अलग अलग होता है। इसलिए उन्हें मिक्स करके जब गर्म करते हैं तो एक तेल जल्दी पक जाता है और दूसरा स्मोक पॉइंट हाई होने के कारण जब पकेगा तो लो स्मोक पॉइंट वाला ऑयल जलने लगेगा, इसलिए मिक्सिंग सही नहीं होती है। तेल के इस्तेमाल में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि गर्म होने पर तेल ऑक्सीडाइज्ड होता है, उसमें फैटी एसिड चेंज होने लगते हैं। इसलिए तेल जब जलने लगता है तो ये फैटी एसिड हमारे लिए नुकसानदायक हो जाते हैं। तेल जलने लगे तो उसमें से धुआं निकलने लगे, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी जो चीज़ ईजिली अवेलेबल हो, स्वाद में हमें सही लगे, ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं की हुई हो और जिसका स्मोक पॉइंट हाई हो, ऐसे तेल हमारे लिए फायदेमंद कहे जाएंगे। इसलिए हाथ से तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल इंडियन कुकिंग के हिसाब से अच्छा माना जाएगा। तो जो तेल आपको आसानी से उपलब्ध हो, स्वाद में भी फायदेमंद और ज़्यादा रिफाइंड नहीं हो, ऐसे ही तेल का इस्तेमाल करिए। और दूसरा, उस इस्तेमाल करते समय उसको जलने से बचाने की कोशिश जरूर करिए। उम्मीद है ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करिएगा और ऐसे हेल्दी टिप्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।